What's up beautiful people, welcome back to my channel. I hope you people are doing absolutely good. Well guys, मैं आप सभी को बता दूं कि मैं नामसाई पे सेटल हो गया. हम प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम नामसाई शिफ्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, यहाँ कुछ दो साल के लिए कुछ कोर्स करने के लिए. तो और गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं कि हमको मार्केट पे स्टूडियो के लिए जगह नहीं मिला है. तो सोचा था वहाँ पे मार्केट पे ढूंढ के स्टूडियो का सेटअप करेगा अलग से, लेकिन क्या हुआ है कि हमको जो मेरा रेंज है उसको हम स्टूडियो में कन्वर्ट करना पड़ा है, क्योंकि मेरा रेंज जो बहुत बड़ा है, मतलब कि डबल रूम वाला है. तो उसी को ही हम फर्स्ट रूम को स्टूडियो में कन्वर्ट किया. आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हम बनाए इसको. मेरा स्टूडियो में और भी फर्नीचर अभी घुसने के लिए है, उसके बाद बहुत सारा और थोड़ा डेकोरेशन करना है और पोस्टरिंग करने के लिए थोड़ा बाकी रह गया. और गाइस, उस दिन हम लोग परशुराम कुंड गया था, उसका भी हम ब्लॉग बनाया था, लेकिन क्या हुआ है कि माइक जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, उसका वजह से हम वीडियो को अपलोड नहीं किए. नामसाई से होके हम लोग परशुराम कुंड गए, वहाँ से होके फिर तेज होके वापस नामसाई आया था. इतना अच्छे से वीडियो बनाया था, लेकिन क्या हुआ है कि माइक जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था. एक्चुअली माइक का जो बैटरी है वो पूरा डेड हो चुका है. तो कल ही मेरा माइक का जो बैटरी है वापस आ गया, तो उसको हम थोड़ा टेस्ट करके मार्केट जाएगा, आप लोग को भी मार्केट ले जाएगा कैसा है नामसाई का मार्केट. ऐसे ही नामसाई को आप बोल सकते हैं कि धूली घाट है, ऐसे तो हम इंसल्ट नहीं कर रहे, जो रियलिटी है उसको ही बता रहे. बहुत ही ज़्यादा धूली है, जब बहुत ही ज़्यादा दस है मार्केट एरिया, जितना भी एरिया है बहुत दस से फैला हुआ है, पूरा पॉल्यूटेड है दस से. हम लोग का जो ये एरिया है ये थोड़ा सा फ्रेश है जगह, जो इसका वजह से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन अगर आप मार्केट जाएगा तो इतना धूल मिट्टी है क्या बोलेगा. और गाइस, आप लोग कोई नामसाई से वीडियो देख रहे तो टैटू बनाने आ सकते हैं. वेल गाइस, हंटर इज हियर, हमको मिस कर रहे हैं अपना हंटर. तो क्या क्या है कि मेरा अभी प्रॉपर यहाँ गाड़ी को बाइक को हंटर को रखने के लिए जगह नहीं है. तो हम थोड़ा दिन पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए ये कवर, तो हंटर का कवर करने के लिए, ताकि बारिश और ये जितना भी धूप है सनलाइट से बचने के लिए, अगर आप इसको प्रोटेक्ट रखेगा तो जल्दी डिसकलर नहीं होगा आपका ये बाइक. ज़्यादा सन बर्न से आपका बाइक का कलर जा सकता है. हम जाएंगे थोड़ा सा मार्केट, बताएंगे हम जाते जाते क्यों जा रहे हैं मार्केट. तो वीडियो को स्किप नहीं करके देखते रहिए. गाइस, हम उस दिन से ब्लॉगिंग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि मेरा माइक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है. ये मेरा घर जाने का रास्ता है, इधर बिल्कुल केयरफुल रहना है, कहीं भी वक्त किसी भी वक्त बहुत स्पीड में बाइक जाता है यहाँ से. तो हाँ, हम कह रहा था कि मेरा माइक उस दिन से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है. हम लोग परशुराम कुंड भी गया था एक राइड पर, उसका भी हम प्रॉपर वीडियो बनाया था, लेकिन क्या हुआ है कि वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाए. तो आज हम लास्ट ट्राई कर रहे हैं, अगर आज नहीं होते तो हमको माइक ही चेंज करना पड़ेगा. तो लगता है गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, पूरा साइड चपटा हो गया, पूरा इंजन साइड चपटा हो गया. तो अभी हमको बीच बीच में रुके एक बार चेक करना पड़ेगा कि कौन सा माइक खराब है या माइक का इधर खराब है. तो प्रॉपर कौन सा खराब है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत दिन से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन बाइक में जाते हुए जो माइक है वो अच्छा प्रॉपर काम नहीं कर रहे. जब वीडियो वापस चेक करते तो साउंड वापस नहीं आता है. तो इसी कारण हम थोड़ा जा रहे हैं बाहर और सोचा ब्लॉगिंग ही बना लेगा. और क्या हुआ है कि उसे हम टैटू का एक प्रोडक्ट मंगाया था इंक, तो क्या हुआ है कि वो इंक जो उसका पेमेंट कर दिया था. हम क्लास में था तो डिलीवरी बॉय आया मेरा रेन में, मेरा रूम में, तो बोला कि भैया आपका सामान आया है तो आप ये कर लीजिए, कैश ऑन डिलीवरी है, पेमेंट कर दीजिए. हम तो क्लास में था, कॉलेज में, सॉरी यूनिवर्सिटी में, तो हम वहाँ से बोला था कि आप पेमेंट कर देगा, आप हमको खिड़की से रूम पे रख दीजिए. तो ऐसा करके हम क्या क्या था पेमेंट कर दिया, लेकिन क्या हुआ है कि मेरा से पेमेंट कट गया, पैसा जो कट गया अकाउंट से, लेकिन क्या हुआ है कि डिलीवरी बॉय बोला कि उसका अकाउंट में नहीं आया है. तो वही फिर हम दोबारा पेमेंट किए उसको, तो मेरा अराउंड 689 कुछ का अमाउंट का. तो ऐसा हो कि ऑलमोस्ट 1200 कुछ ऐसा ही चला गया, 1200 या 1300 जैसा कुछ चला गया. तो हम उसका रिफंड अभी तक नहीं मिला है, 3-4 दिन हो गया. तो वही हम जा रहे हैं अभी डिलीवरी ऑफिस नामसाई का. और वेल गाइस, तो हम जस्ट माइक को चेक करने के लिए रुका हुआ था थोड़ा सा. अभी माइक फिलहाल थोड़ा सा प्रॉपर काम कर रहे हैं, लेकिन कब खराब होगा पता नहीं है. हमको लगता है जब ऐसा टूटा फूटा रास्ता होता है, रोड होता है, तब जर्किंग एडाप्टर जो हिल जाता है, तब जो मेरा वॉइस है उसको शायद तभी वो लोग कैप्चर नहीं करते. आप लोगों को बताने होगा मेरा यूट्यूब पर करियर कैसे शुरू हुआ है. एक दोस्त था, उसका साइबर में था, तो उसका साथ हम रहता था कभी कभार.
तो क्या होता है कि कस्टमर आता था तो वो लोग कुछ प्रिंटिंग करने के लिए मोबाइल देता था वो लोग को कि लिए भैया मेरा इसके अंदर एक डाटा है, एक जो कुछ प्रिंट करना है कर दीजिए, ऐसा कह के फ़ोन देता था। तो हम क्या होता था कि हम सार में बैठता था, ऐसा करके हम उसका फ़ोन को रिसीव करता था, तो हम दे देगा ऐसा करके, उसके बाद हम उसका फ़ोन में यूट्यूब ओपन करके खुद चैनल को सब्सक्राइब करता था। ऐसा करके मेरा यूट्यूब करियर शुरू हुआ है, इतना सब्सक्राइबर भरा है। यहाँ से तो हम लेंगे राइट, फिर बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेट टू मल्टीपल परचेस। और गाइस तो ऐसे हुआ था मेरा यूट्यूब का करियर। अभी क्या हुआ है कि चैनल ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं इतना दिन से ऐसे ही है चैनल, अभी तक 13K में एड का हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करो ताकि हमको भी कुछ एक्सपीरियंस मिले वीडियो बनाने का। ऐसे बहुत प्लानिंग कर रहे हो, ऐसे दीमापुर जाने का प्लानिंग कर रही है अक्टूबर 2nd या 3rd वीक को, शायद मेरा जो दोस्त लोग है अगर वो लोग एग्री करेगा तो ज़रूर जाएंगे दीमापुर भी एक्सप्लोर करेगा। तो वहाँ क्या करना है कि हम लोग विंटर आ रहे हैं तो वहाँ से सस्ता से कपड़ा मिलेगा हांगकॉन्ग मार्केट में, तो वही हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जाएगा लगभग अभी नाम था ऐसे आपका 480 या 90 कुछ किलोमीटर्स होगा, 7 या 8 आवर्स का राइड होगा। तो फिलहाल अभी हम लमसाई का मेन मार्केट में है। यहाँ क्या है कि इतना धूली है, नहीं बोल सकते भाई साहब इतना धूली है क्या बोलेगा, पूरा दस्त है, पॉल्यूटेड है पूरा हमको। लेकिन अभी ढूंढना है डिलीवरी ऑफिस कहाँ है, वो डिलीवरी ऑफिस हमको यही पूछना होगा कि डिलीवरी ऑफिस कहाँ है। भैया ये डिलीवरी ऑफिस काम है ना, डिलीवरी ऑफिस ये ऑनलाइन का, हाँ यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से सीधा मेन रोड जाइए, मेन रोड सीधा जाइए ना, हाँ पुलिस नाम वहाँ में जाके किसी को पूछे पुलिस स्टेशन कहाँ है, वहाँ पुलिस स्टेशन तो हम देख लिया, देखा है पुलिस स्टेशन से हाँ राइट साइड में, हाँ उस तरफ आगे जाकर राइट साइड में, हाँ वहाँ में है, उधर मिलेगा ना, हाँ थैंक यू, थैंक्स टू दिस यंग मैन। तो यहाँ से हमको लेना पड़ेगा राइट, उसके बाद पुलिस स्टेशन तो हम देखे हैं। और गाइस यहाँ का क्या बोलेगा पुलिस लोग को, मेरा 2nd डे था यहाँ नामसाई पे, हम मेरा चालान कटवाया है जिसमें पुलिस जो मास्क नहीं पहना था और हम पहना था मास्क, बस हमको बोला है कि हेलमेट क्यों नहीं पहने। मेरा एडमिशन के लिए हम आया था, बहुत प्रॉब्लम है था, ऐसे भी पैसा नहीं जुड़ रहा था मेरा, दो दिन सॉरी एक दिन में मेरा 20,000 आप विदड्रॉ कर सकते ATM से, ऐसा करके हम 20,000 विदड्रॉ किया था। और मेरा एडमिशन फीस था 34,000, वो भी नहीं जुड़ रहा था 20,000 भी, ऐसा करके हम पुलिस को एक्सप्लेनेशन दिया था कि सर हमें ऐसा प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद हम पासीघाट से आए हैं, पर भी नहीं सुना है, नहीं माना है, हमको कटवा दिया चलाने 1,000 का, वो भी हेलमेट नहीं पहने बोल के, चल भाई सब आगे जाओ। पुलिस स्टेशन कहाँ नहीं था भाई, यहाँ से आपस राइड लेना पड़ेगा भाई साहब, घूर घूर के देख रहे हैं। पर गाइस नामसाई का बेस्ट पार्ट मेन मार्केट में यही लगते हैं। और भाई दिल्ली से बच के यहाँ बहुत ज़्यादा दूरी है दिल्ली की, तो यहाँ मैं कह रहा था कि ये पुलिस स्टेशन यहाँ है, उसके बाद हमको डिलीवरी ऑफिस कहाँ मिलेगा ऑनलाइन का। तो ये तो पावर हाउस हो गया, अरे भाई साहब किधर हो डिलीवरी ऑफिस कब सहेगा, मेरी सर्किट हाउस हो गया। क्या और कोई भी है भी गुरु के देख रहे, इसको यार पूछ लेगा भाई साहब ये डिलीवरी ऑफिस कहाँ में है नामसाई का, डिलीवरी ऑफिस डिलीवरी ऑनलाइन सामान जहाँ में हो,
आगे के कहाँ में मिलेगा? थाना रोड बोलिएगा, थोड़ा आगे जाइए। हाँ थाना रोड मिलेगा, थाना रोड का थोड़ा आगे। ये भाई साहब साइकिल पे जाते जाते बता दिया, बहुत बड़ा थैंक यू। और गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड ब्रेकर इनाम से थे। उस दिन पासीघाट में सुपर कर आया था, पासीघाट से होके नामसाई 300 की शायद निकल गया, तो पता नहीं वो लोग को नामसाई में कितना स्पीड ब्रेकर मिला है, और किसी न किसी का तो ख़राब हो गया होगा गाड़ी, शायद यही कहीं हमको बता रहे क्या, यही तो पुलिस ऑफिस से हमको बोला है जाने को। हाँ इधर तो कुछ नहीं है, भाई कितना चक्कर का तू आएगा, किधर है? चलो ये भाई को पूछ लेगा, भाई 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 ये आप लोग का ये इधर काम है, वो जो ऑनलाइन का ऑफिस जो नहीं मालूम, हम यहाँ का नहीं है। अरे अब यहाँ का नहीं है? हाँ होगा क्या है भाई, फॉक कमिंग सुन दी स्मोका रिंचिंग जंग मु योंग ट्रेवल, क्या है भाई रेफर लोगे लगते हैं। अरे यार चलो ये भाई साहब से पूछ लेगा, भाई अब ये काम है जो सुनो ना, ये ऑनलाइन ऑफिस काम है या नामसाई का डिलीवरी ऑनलाइन ऑफिस? वो तो इस तरफ होगा, इस तरफ में यहाँ में है कहीं में बोल रहा था, आपको मालूम नहीं है? वेल गाइस तो जो डिलीवरी बॉय है जो मेरा सामान पार्सल हमको डिलीवर किया था वो बोल रहे कि अभी उसका ये उनका जो डिलीवरी ऑफिस है वो जो बंद हो गया, अभी कुरियर ऑफिस जो बंद हो गया ऐसा कह रहे हैं, हमको कल 10 आने को बोल रहे हैं, तो कल ही जाना पड़ेगा क्योंकि कल वो भी वहाँ आएगा बोले, आज दिन का थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो आज ही जाने से ठीक था क्योंकि 2-3 दिन ही हो गया ज़्यादा मेरा अमाउंट रिफंड नहीं हो रहे हैं, हम पेटीएम से पेमेंट किया था तो नहीं मिल रहे, तभी हमें घर जाना पड़ेगा। और गाइस अपना जो हंटर 2.0 है एनएल हंटर, इसका भी मॉडिफिकेशन बहुत सारा हम किया है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन किए। उसके बाद अगर आप भी मेरा जैसे हाइट कम है, हाइट में प्रॉब्लम है, ऐसे भी एमपी विक्टिम का हाइट बहुत ही ऊँचा है, तो आप लोगों को भी हाइट से थोड़ा छुटकारा चाहिए, तो थोड़ा सा छुटकारा चाहिए तो आप लोगों को हम बता सकते हैं कि कैसे आप अपना एमपी विक्टिम का हाइट को सीट हाइट को कमती कर सकते हैं, और आप मेरा जैसे शॉर्ट राइडर है तो आप भी कमती करा के आराम से चला सकते हैं भाई, ऐसे भी इतना भी ख़राब नहीं कर देखते, इतना भी सीट हाइट जो नहीं गच जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक पे अटका हुआ। अरे भाई जैसी जाओ ये बेबी, इतना भी सीट हाइट जो नहीं गच जाता है क्योंकि लुक्स भी अच्छा ही रहता है, क्योंकि जब बाइक का हाइट होता है लेकिन उसका हाइट जो गच जाता है तो नमा देता है तो लुक्स भी उसका बिगड़ जाता है, तो मेरा ऐसे नहीं है, लिमिट है एकदम हाइट का लिमिट ही परफेक्ट है, आप आराम से भी मॉडिफिकेशन करा के और सुंदर बना सकते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखेगा कि कैसे मेरा सीट हाइट कितना रह गया और आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो ज़रूर वीडियो को देखो नेक्स्ट वीडियो भी। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए प्लीज़ कर दीजिए और शेयर करो वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।